दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में क्लियरली निफ्टी बताया था कि 11,800 एक क्रूशियल लेवल है। 11,800 के आसपास अगर मिलता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हो। और मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपको याद है, ये एक बड़ा मूवमेंट किया, रिटेस्ट कर सकता है, वापस अप मूव कंटिन्यू कर सकता है। अगर आपने इंडेक्स के व्यू पे पैसा कमाया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने क्लियरली बताया था, बैंक निफ्टी में भी बताया था, 23,000 के आसपास काफी अच्छा बाय रहेगा और 11,800 के आसपास निफ्टी काफी अच्छा बाय रहेगा। आप अगर देखो निफ्टी ने 11,817 के आसपास लो बनाया, उसके बाद रीटेस्ट किया है, क्लीन एंड क्लियर रीटेस्ट किया और उसके बाद वापस ऊपर गया है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था 23,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, और मैंने आपको बताया भी था कि 23,000 के अराउंड अगर कोई भी डिप मिलता है काफी अच्छा बाय रहेगा। और 23,200 का लो बना के वापस रिकवरी हुई है, शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है। अब जो व्यू है दोनों इंडेक्स में बुलिश है। यहाँ से निफ्टी का टारगेट आता है 12,200 तक का, 12,200 तक का। बैंक निफ्टी में टारगेट आता है 24,500 तक का। तो यहाँ से 500 पॉइंट रैली हमें और देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, और 200 पॉइंट की रैली में निफ्टी में और देखने को मिल सकती है। तो कोई भी इंट्राडे डिप मिलता है काफी अच्छा बाय रहेगा। शॉर्ट पोजीशंस बिल्कुल भी मत बनाना, लॉन्ग की तरफ ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में SBI सेल दिया था, 195 के नीचे सेल दिया था, 193 तक गया ये। उसके बाद जब सेकेंड हाफ में मार्केट घूमा है तब ये स्टॉक घूमा है। 2 रुपये आपके फेवर में गया था ट्रेड, यानी 1% आपके फेवर में गया था। मैंने इसको सेल किया था 195 में और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें ट्रिगर हुआ है। आई होप आपको याद होगा मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिखाया था। अगर आपने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस मैनेजमेंट इंट्राडे में कैसे करना है। मैंने आपको हैवेल्स दिया था सेल, हैवेल्स भी 5-6 रुपये फेवर में गया है। जो भी मैंने ट्रेड दिया था आपको लास्ट वीडियो में, वो 1-1% फेवर में गए हैं और उसके बाद रिवर्स हुआ है, क्योंकि एक मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दिखाई है। 1-1% ट्रेड फेवर में जा रहा है तो भी आपको पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में। तो स्टॉप लॉस मैनेजमेंट वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसमें पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करना भी बताया है कैसे करना है। L&T में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, L&T मैंने CNBC आवाज चैनल पे भी दिया था, उसमें भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। SBI और हैवेल्स ये दोनों ट्रेड फेवर में गया था 1-1%, और उसके बाद शार्प रिकवरी हुई इसलिए ट्रेड अगेंस्ट हुआ है। सो दोनों में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। और पार्ट प्रॉफिट बुकिंग मैंने ऑलरेडी किया था, और L&T में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, बट मैंने बड़ा प्रॉफिट कमाया था आज बैंक निफ्टी में। तो ये मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, आप देख सकते हो, और आज का ही मैंने मैसेज किया था, ये मैंने थोड़ा सा गलत टाइपिंग किया था तो मैंने वापस मैसेज किया था। और इसमें मैंने सारे स्टूडेंट्स को मैंने मैसेज किया था, आप देख सकते हो, बाय बैंक निफ्टी फ्यूचर अबाउट 23,350, स्टॉप लॉस दिया था 23,210 एंड टारगेट दिया था 23,550। ये मैंने मैसेज क्लियरली दे दिया था। बैंक निफ्टी में मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा पैसा बनाया इंट्राडे में, क्लियरली मैंने बाय व्यू दिया था, आप देख सकते हो। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स, कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना। अगर आज आपने नोटिस किया है तो सीमेंट सेक्टर में वापस हमें बाइंग देखने को मिली है। श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ACC, अल्ट्राटेक, सब में बाइंग थी और सारे स्टॉक्स ऊपर थे। आज अगर आप देखो ACC ने वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए आप ACC बाय कर सकते हो। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अंबुजा सीमेंट भी आप बाय कर सकते हो, और 250 के ऊपर एक अच्छा खासा आपको हमें देखने को मिल सकता है। सो अंबुजा सीमेंट और ACC, ये दोनों स्टॉक आपको रेडार पे रखना है। ये दोनों स्टॉक में इंट्राडे के लिए आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। और एक बैंकिंग स्टॉक्स HDFC बैंक, HDFC बैंक में स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता है, अगर ट्रेंड लाइन टूटता है तो एक शार्प अप हमें देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में। और बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है तो HDFC बैंक मुझे लगता है आउट परफॉर्म कर सकता है। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन HDFC बैंक का स्ट्रक्चर भी इंट्राडे के लिए और पोजिशनली काफी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट।